लोकसभा चुनाव में हरियाणा में सबसे ज्यादा फोकस पर रहने वाली रोहतक सीट को जीतने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने अभी से पूरी ताकत झोंक दी है। दीपेंद्र हुड्डा 2019 की हार का बदला लेने के लिए बेकरार हैं और वो सभी 9 विधानसभा हलकों में पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी हुड्डा परिवार को लगातार दूसरी शिकस्त देने के लिए पूरी प्लानिंग को अमली जमा पहना चुकी है और वो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ने का काम कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा इस बार वो गलतियां नहीं दोहराना चाहते जो 2019 के चुनाव में उनसे हुई थी। दीपेंद्र हुड्डा इस बार कोसली की लीड को आधा करने की मुहिम में जुटे हुए हैं, तो वहीं पर रोहतक शहर कलाना और बहादुरगढ़ की बीजेपी की लीड को ख़त्म करके वहां अपनी लीड हासिल करने के लिए भी लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा की कोशिशों को खराब करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी के जरिए बीजेपी अब कांग्रेस के जनाधार में सेंध लगाने के लिए एक नए ही रास्ते पर चल पड़ी है। बेरी हलके के 44 गांव के सरपंचों को बुलाकर नायब सैनी ने उन्हें विकास की गुट्टी पिलाने का काम किया और उन्हें हर मुमकिन सहायता देने के लिए भी उन्होंने अपनी वचनबद्धता जताने का काम किया। बीजेपी बखूबी जानती है कि अगर सरपंच उसके साथ में खड़े हो गए तो फिर दीपेंद्र हुड्डा की 2019 की बेरी हलके की 25,000 की लीड को वो न सिर्फ कम कर सकती है बल्कि ख़त्म भी कर सकती है। इसलिए बीजेपी ने इस बार सबसे पहले सरपंचों पर ही डोरे डालने का काम किया है। आपको ये बता दें कि सरपंचों को खुश करने के लिए जिस तरह से नायब सैनी खुद आगे आए हैं उससे साफ जाहिर हो गया है कि बीजेपी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत आगे बढ़ने का काम कर रही है और वो जानती है कि दीपेंद्र हुड्डा को हराने के लिए सबसे पहले उन हलकों में फोकस करना होगा जहां पर दीपेंद्र हुड्डा मजबूत थे। दीपेंद्र हुड्डा को सबसे ज़्यादा 45,000 की लीड जहां किलोई हलके में मिली थी, वहीं दूसरे नंबर पर बेरी हलका रहा था जहां पर उसे 25,000 की लीड मिली थी। आप खुद ही देखिए नायब सैनी ने सरपंचों के साथ किस तरह से बातचीत की और मीडिया में उनका क्या बयान आया। और सरपंच तो हमारे इस लोकतंत्र का प्रथम मजबूत पायदान है जो विकास के कार्यों को गति देने में उसकी अहम भूमिका होती है। और हमने सरपंचों को बिल्कुल पाया है कि हमारे दरवाजे भी आपके लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं और जो भी काम आपने किए या जो काम टेंडर में है ऐसे सब काम आप लोग गति से करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत समस्या आती है सरपंचों को मैंने ये भी कहा है कि आप डायरेक्ट आकर के मेरे को मिलिए, उस समस्या का समाधान करेंगे, परंतु हमने मिल करके कार्यों को आगे बढ़ाना है। मैंने कहा है सरपंचों को कि अगर कोई क्वालिटी की अंदर आपको दिक्कत आती है कि यहाँ क्वालिटी घटिया स्तर की है, सरपंच उसको तुरंत लिख करके देगा, हम सुनेंगे। अधिकारी जिम्मेवार है, अधिकारी जो वहाँ पर उस काम को करा रहा है कि उस क्वालिटी को ध्यान रखना, कई बार टेंडर व्यक्ति माइनस में लगा देता है। हमने ये भी उनको आश्वस्त किया है कि अगर इस प्रकार की बात कोई जो टेंडर लगाने वाला व्यक्ति है कि वो माइनस में ले जाता है और फिर छोड़ करके चला जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। तो उसको भी एक बार करेगा वो, उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम करेंगे, दोबारा वो इस प्रक्रिया के अंदर ना आ सके, उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे। और सरपंच तो हमारे इस लोकतंत्र का प्रथम मजबूत पायदान है जो विकास के कार्यों को गति देने में उसकी अहम भूमिका होती है। और हमने सरपंचों को बिल्कुल पाया है कि हमारे दरवाजे भी आपके लोगों के लिए 24 घंटे खुले हैं और जो भी काम आपने किए या जो काम टेंडर में है ऐसे सब काम आप लोग गति से करिए। अगर कहीं कोई दिक्कत समस्या आती है सरपंचों को मैंने ये भी कहा है कि आप डायरेक्ट आकर के मेरे को मिलिए, उस समस्या का समाधान करेंगे, परंतु हमने मिल करके कार्यों को आगे बढ़ाना है। मैंने कहा है सरपंचों को कि अगर कोई क्वालिटी की अंदर आपको दिक्कत आती है कि यहाँ क्वालिटी घटिया स्तर की है, सरपंच उसको तुरंत लिख करके देगा, हम सुनेंगे। अधिकारी जिम्मेवार है, अधिकारी जो वहाँ पर उस काम को करा रहा है कि उस क्वालिटी को ध्यान रखना, कई बार टेंडर व्यक्ति माइनस में लगा देता है। हमने ये भी उनको आश्वस्त किया है कि अगर इस प्रकार की बात कोई जो टेंडर लगाने वाला व्यक्ति है कि वो माइनस में ले जाता है और फिर छोड़ करके चला जाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। तो उसको भी एक बार करेगा वो, उसको ब्लैकलिस्ट करने का काम करेंगे, दोबारा वो इस प्रक्रिया के अंदर ना आ सके, उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे। आपने देख लिया होगा कि नायब सैनी किस तरह से
सरपंचों पर डोरे डालने का काम कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं और वो इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा को छोड़कर सरपंच बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा का साथ देने का काम करें। सरपंचों के साथ बातचीत में नायब सैनी ने जो सबसे ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट करने का काम किया, जो सरपंचों के साथ नज़दीक का रिश्ता जोड़ने का काम किया, उसमें उन्होंने कहा कि सरपंचों की कुछ समस्याएं थी जिसे हमने सुना है, उन्हें दूर करने का काम किया जाएगा। सरपंचों के किसी काम में दिक्कत नहीं आएगी, विकास के कार्यों को गति देने में सरपंचों की अहम भूमिका रहेगी और अगर विकास कार्यों में किसी तरह की ढिलाई होती है, अगर क्वालिटी में खराबी आती है तो उसके लिए सरपंच जिम्मेदार नहीं होंगे बल्कि उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यानी मनोहरलाल खट्टर की तुलना में अब नायब सैनी ने सरपंचों के प्रति सॉफ्ट रुख अपनाया है और बेरी हल्के के सरपंचों को दिल्ली में बुलाकर जिस तरह से नायब सैनी ने अपने साथ जोड़ने का काम किया है, वो बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा कही जाएगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि दोबारा से हरियाणा में 10 की 10 सीटों को जीतने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट रोहतक सीट है और रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। 2019 के रिजल्ट को दोहराने के लिए ही नायब सैनी के जरिए अब बीजेपी सरपंचों को साधने के काम में लग गई है। बेरी हल्के के 44 सरपंचों को बुलाकर नायब सैनी ने उनको अपने साथ जोड़ने के लिए पहल कर दी है। अब देखने की बात यही है कि 44 में से कितने सरपंच बीजेपी के साथ जुड़ने का काम करते हैं। इनमें से जितने भी सरपंच बीजेपी के साथ जुड़ेंगे वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। जाहिर सी बात है, हर गांव में सरपंच का जो ग्रुप होता है वो बेहद मजबूत ग्रुप होता है, उनके साथ में 500 से लेकर 1500-2500 तक वोट भी होते हैं और अगर बीजेपी 44 में से आधे सरपंचों को भी अपने साथ जोड़ने में सफल हो गई तो फिर बेरी हल्के की दीपेंद्र हुड्डा की लीड बढ़ाने की कोशिश और प्लानिंग फेल हो जाएगी और बीजेपी दीपेंद्र हुड्डा की लीड को कम करने के लक्ष्य को हासिल करने के करीब पहुंच जाएगी। यानी बीजेपी और दीपेंद्र हुड्डा के बीच में रोहतक सीट पर सहमत का खेल शुरू हो चुका है और इस सीट पर दोनों ही पार्टियां, यानी एक तरफ जहां हुड्डा परिवार और दूसरी तरफ बीजेपी, इस सीट को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आएंगे। बेरी हल्के की लीड बीजेपी के लिए जहाँ बेहद मायने रखती है, वहीं दीपेंद्र हुड्डा भी जानते हैं कि बेरी हल्के से कम 50,000 की लीड मिलेगी तभी उनकी जीत पक्की हो पाएगी। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा भी बेरी में लीड बढ़ाने के लिए जहां बड़ी रैली में शिरकत कर चुके हैं, वहीं वर्कर सम्मेलन के जरिए भी वो हर बूथ पर अपनी टीम को तैनात कर चुके हैं। बेरी के विधायक रुबीर कादियान भी ये दावा कर चुके हैं कि इस बार बेरी में कम से कम 40,000 की लीड आएगी। लेकिन जिस हिसाब से नायब सैनी ने सरपंचों के साथ में गुफ्तगु की है, उन्हें बीजेपी के साथ जोड़ने का प्रयास किया है, उससे जाहिर हो जाता है कि बीजेपी भी दीपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग की काट करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और वो जानती है कि दीपेंद्र हुड्डा को कैसे हराया जा सकता है। लेकिन ये हकीकत है, दीपेंद्र हुड्डा को आज की तारीख में हराना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले 36 दिन के इलेक्शन में बीजेपी पिछली बार की तरह बाजी पलटने के लिए कोई और कसर नहीं रखेगी। लेकिन ये तो वोटरों के हाथ में ही रहेगा कि किसे सह मिलती है और किसे मात मिलती है। यानी 2024 में क्या दीपेंद्र हुड्डा को रोहतक की जनता जिताने का काम करेगी या एक बार फिर से बीजेपी यहाँ हुड्डा परिवार को धूल चिताने का काम करेगी। रोहतक सीट पर दीपेंद्र हुड्डा की प्लानिंग को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। रोहतक सीट पर बीजेपी की रणनीति की गहराई को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। रोहतक सीट के चुनाव परिणाम के इम्पैक्ट और इम्पैक्ट को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।